अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ रसगुल्ला, सफ़ेद रसगुल्ला बनाऊंगी। तो ये मैंने दूध लिया है, गाय का दूध है, 1.5 किलो लिया है मैंने, और आधा किलो मैंने चीनी लिया है। तो सबसे पहले मैं दूध को फाड़ लूँगी। दूध हमारा उबल चुका है, गैस हम बंद कर देते हैं। इसे हम हल्का सा ठंडा कर लेंगे पहले। ठंडा करने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी सिरका। नींबू से भी फाड़ सकते हैं इसको, सिरका से ही फाड़ सकते हैं। मैं इसमें सिरका डालूंगी, थोड़ा इसको ठंडा कर लेते हैं पहले। ये मैंने चीनी लिया है, ये 500 ग्राम चीनी है। इसके अंदर हम पानी डाल देंगे, 1.25 लीटर पानी डालूंगी मैं इसके अंदर, क्योंकि ये हमारा चाशनी है, ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। न ज़्यादा गाढ़ा न ज़्यादा पतला, मीडियम रखना है इसे हमें। तो ये हमारा अभी उबलने पे आया है, तब तक हम दूध देख लेते हैं। ये देखिए थोड़ा ठंडा हो चुका है, ये ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है और ना ज़्यादा गर्म रहना चाहिए। मैं इसमें डालूँगी जो विनेगर है, इसमें थोड़ा थोड़ा डाल देंगे हम। फिर हम इसको इस तरह से मिक्स कर देंगे इसके अंदर, और ये जो हम और डाल देंगे। ये देखिए हमारा ये इस तरह से दूध और पानी बिल्कुल अलग हो गया है। ये देखिए इस तरह छेना सारा अलग हो गया है। ये इसको हम कॉटन के कपड़े में छान लेंगे। कॉटन का कपड़ा सही हो, पतला होना चाहिए। ये देखिए हम इसके अंदर सबको छान लेंगे। ये जो कपड़ा लिया है मैंने इसके अंदर, इसको हम बराबर से रखेंगे इस तरह से। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, फटाफट से तैयार हो जाता है ये। और खाने में ये बहुत ही टेस्टफुल बनता है, ये अच्छा बनता है। ये हम इसमें डाल लेंगे सबको, इस तरह से हम इसको उठा लेंगे। ये देखिए सारा पानी ये निकल गया। इसको हम निचोड़ निचोड़ के रख देंगे। ये देखिए हमने निकाल लिया है, इसमें हम अभी डालेंगे थोड़ा ठंडे पानी से भी इसको हम रिफ्रेश करेंगे। और जो पानी है इससे हम आटा भी गूंथ सकते हैं, सब्जी में भी डाल सकते हैं, पराठे वगैरह बहुत अच्छा बनता है इसका, तो इसलिए हम इसको फेंकेंगे नहीं। इसमें हम डालेंगे ठंडा पानी, ताकि हमारा जो हमने इसके अंदर सिरका डाला है वो उसका सारा खट्टापन निकल जाए इस तरह से। 1 से 2 गिलास पानी डाल के हम इसको अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। ये देखिए इसको हम इसको इस तरह से इसे निचोड़ लेंगे इस तरह से। इसको हम इसको रख देंगे जब तक इसका पानी निचोड़ ना जाए सही से। तो अब इसको हम रख देंगे टांग कर। इसमें पानी रहना नहीं चाहिए। तो उसको हम रख देते हैं। देखिए हमारा चाशनी भी उबलने पर आ गया है, इसको ज़्यादा चिपचिपापन नहीं करना है इसके अंदर। ये हमने डाला है इसके अंदर 2 इलायची डाल देते हैं, ये हरी इलायची है, इससे इसमें खुशबू अच्छी आ जाएगी। तो हम इसे पकने देते हैं तब तक, जब तक हमारा चाशनी तैयार हो रहा है तब तक हम इसे देख लेते हैं। ये देखिए पानी बिल्कुल का सूख चुका है इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल सूख गया है पानी इसका। तो हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत ही अच्छे से इसको इसको हथेली से इस तरह से हाथों से हम इसको मिक्स करेंगे खूब अच्छे से। देखिए इस तरह से
ये देखिए इस हथेली से इसको मैं भी कर रही हूँ इस तरह से, और इसी तरह से करना है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसको जब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इस तरह से हथेली से, जब ही हमारा ये रसगुल्ला अच्छा बनेगा, नहीं तो फट जाएगा, फटने से सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। इस तरह से इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, बहुत ही टाइम लगता है इसके अंदर। खूब अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए खूब अच्छे से इसको कम से कम 20 मिनट तक हम इसको इस तरह से मिक्स करते रहेंगे। बिल्कुल आप चाहें तो इसके अंदर आधा रोट भी, आधा चम्मच बिल्कुल डाल सकती हैं, उससे भी अच्छा बनता है। ये हमारा बिल्कुल इस तरह से मिक्स हो जाना चाहिए, हाथों में नहीं लगना चाहिए। तो समझ लीजिए कि हमारा ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, लेकिन हम इसको अभी और इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा अच्छे से ये हो चुका है, मैंने 30 से 40 मिनट इसको मिक्स किया है बहुत अच्छे से। थोड़ी सी एनर्जी इसमें ख़त्म हो जाती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा जो चीज़ है बहुत अच्छा बनेगा, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बिल्कुल अच्छे से बन जाएगा ये। अब हम इसको बना लेते हैं इस तरह से। ये देखिए इस तरह से दो कर लेंगे इसको, इसको साइड में रखते हैं और इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा लेंगे हम, बिल्कुल इतना इतना लेंगे इस तरह से। ये देखिए मैंने सबको एक बराबर से कट कर लिया है इस तरह से। ये देखिए इसमें सब एक को हम बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हम लेके और ऐसे गोल गोल करते जाएंगे इसको इस तरह से। चाशनी हमारा अच्छे से हो गया है। इस तरह से हम इसको सबको हम ऐसे ही बना लेंगे जैसे ही हमने बनाया है, इसी तरह से बनाएंगे सबको। ये देखिए इस तरह से, ज़्यादा क्रैक नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये हमारा उसके अंदर फट जाएगा। बिल्कुल अच्छे से हमारा ये बन जाना चाहिए। ये देखिए इस तरह से सब बना लेंगे। ये देखिए मैंने सारे पीस बना लिए हैं, 17-18 पीस बने हैं ये। तो आप इसे थोड़ा बड़ा साइज ले सकती हैं, मैंने मीडियम साइज लिया, ना ज़्यादा छोटा है ना ज़्यादा बड़ा है। ये हमारा पानी उबल गया है, मैंने पहले कढ़ाई में रखा हुआ था, मैंने कढ़ाई चेंज कर दिया है, भगोने में डाल दिया मैंने इसको। और इसके अंदर मैंने दो इलायची डाल दिए थे, ये इलायची डाल रखा था मैंने। तो मैं हम इसे निकाल लेते हैं, ये अच्छे से पक चुका है तो इसे हम निकाल लेते हैं और इसके अंदर हम एक एक करके डालते जाएंगे। सारा नहीं डालना है नहीं तो ये फट सकता है, ख़राब हो सकता है ये। और बिल्कुल गैस हमारा जो है बिल्कुल हाई फ्लेम पर रहेगा ये, इस तरह से इस तरह से हम डालते जाएंगे। देखिए इसी तरह से हम सबको डाल देंगे इसके अंदर और गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रखेंगे। पानी हमारा अच्छे से इस तरह से उबलते रहना चाहिए। अगर चाशनी आपको लगे गाढ़ा हो गया हो तो आप इसमें पानी थोड़ा सा डाल सकती हैं, गर्म पानी डालें लेकिन ठंडा नहीं, नहीं तो उससे भी ये फट सकता है। इसी तरह से आप अब ये उबल रहा है तो इसको हम हल्के हल्के हाथों से बिल्कुल इस तरह से हम इसको पलटते रहेंगे ऐसे। ये देखिए सारा हमारा अच्छे से इसके अंदर इस तरह से घूम रहा है, तो हम इसको पलटते रहेंगे ऐसे। अभी वो गैस का फ्लेम हाई है हमारा, अब हम इसको
ढक देंगे तो 5 मिनट के लिए, और आधा ही ढकेंगे इसको, हम पूरा नहीं ढकेंगे इस तरह से। इसको हम 5 मिनट छोड़ देते हैं। देखिए हम इसे देख लेते हैं, देखिए माशाल्लाह कितने बड़े बड़े हो गए हैं ये देखिए, अब बिल्कुल सारे गोल गोल हैं, बिल्कुल एक ही पिचका बनी है इसके अंदर। देखिए कितना अच्छा है, बहुत ही अच्छे से बंधा। चाशनी हमारा हम देख लेते हैं, चाशनी हमारा सही है अभी। अगर हमारा चाशनी सूख जाए तो थोड़ा पानी और डाल देंगे, लेकिन गर्म पानी डालना है बिल्कुल उबलता हुआ। इस तरह से घुमा दिया इसको, 3 से 4 मिनट हम इसको और ढक के रखेंगे। देखिए हमारा 4 से 5 मिनट हो गया, और इसको देख लेते हैं, बहुत अच्छे से बन रहा, बहुत अच्छे से पक गया है ये। लेकिन हम इसको 5 से 6 मिनट और पकाएंगे अभी। ये देखिए इसको आराम आराम से ही पलटना है चम्मच, बिल्कुल आराम आराम से, ताकि हमारा ये टूटे नहीं। पलटना भी तो इसको बहुत ही आराम से पलटना है इस तरह से। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा बना है। इसी तरह से आप बनाएं, सारे फंक्शन में बनाकर इसको आप सर्व कर सकती हैं। हम इसको 5 से 6 मिनट और पकाएंगे अभी। देखिए हम देख लेते हैं इसको, 6 से 7 मिनट पक चुका है, अच्छा पक गया ये इस तरह से, इतना अच्छा पक गया है, बहुत बढ़िया बना है ये। हो चुका है, हम गैस बंद कर देते हैं। इसे हम सर्व करके इसको 3 से 4 घंटा हम इसको ठंडा करेंगे, चाहे फ्रिज में रख करके। ये देखिए मैंने सर्व कर लिया है, कितना स्पंज बिल्कुल बना है, बिल्कुल हल्का बना है ये। ये देखिए कितना अच्छा है, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। इस तरह से आप भी बनाएं, आज दिवाली का दिन है तो हैप्पी दिवाली आप लोगों को। ये देखिए कितना अच्छा से दब गया है ये देखिए एकदम फूल जाता है बिल्कुल। तो इसी तरह से आप भी बनाएं, त्यौहार का दिन हो, कोई भी फंक्शन हो, उसमें आप सभी को बना के खिला सकती हैं। इसी तरह से आप भी बनाएं, सबको खिलाएं। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।